मित्रों, आज हम इस समय तालवेट ब्लॉक के साहेपुर जो मजरा है उसके कृषक श्री राजा राम जी से मिलने आए हैं, उनके खेत पर मिलने आए हैं, जिसमें कि हमारी संस्था इशारा श्री गायत्री विकास समिति के माध्यम से हमने वर्ष 2013-14 में जो श्री विधि द्वारा गेहूं की बुआई कराई थी, उस बुआई के अंतर्गत इन लोगों को साधारण फसल जो छिटकवा विधि के द्वारा लिया करते थे अथवा यह लोग किसी भी तरह गेहूं के बीज को छिड़क देते थे, वह गेहूं का बीज चाहे जर्मिनेट हो या ना हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं रहता था। हमारी संस्था के माध्यम से मैं सविनय पुरोहित, जिसमें संस्था हमारी इशारा श्री और हम पीसी इसके हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल हमारे विजय जी और जगवान जी हमारे साथ में हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान हमारी संस्था को मिला है वह नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जिसे हम कहते हैं, किसान उससे भली भांति परिचित थे। आज हमारी संस्था के माध्यम से नाबार्ड को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हमारी संस्था ने किया है और कृषकों के घर घर उनके खेत खेत पर पहुंचाने का कार्य नाबार्ड जो शब्द है उसका हमारी संस्था ने किया है। इसके साथ में आज हम दिखाना चाहेंगे कि एक किसान के खेत पर जब हम खड़े हैं उसमें हमने रेंडमली कोई सा भी पौधा हम चयन करते हैं और उसमें नंबर ऑफ जो टिलेज हैं, जो पेनिकल हैं, वह गेहूं की बाली की संख्या है। हम दिखाना चाहेंगे कि हमने केवल और केवल दो एक एक जगह 8 इंच बाय 8 इंच की दूरी पर हमने गेहूं की फसल के बीज की बुआई की है और इसके साथ में हमारे जो कृषक हैं राजा राम जी, वह स्वयं आपको बताएंगे कि इनका इस विधि के द्वारा जुड़ने पर, हमारी संस्था और नाबार्ड के द्वारा जुड़ने पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आप राजा राम जी क्या कहना चाहेंगे, किसानों को क्या बताना चाहेंगे कि आज क्या स्थिति हमारे सामने परिलक्षित हुई है। हमारे पास जो आपने बताया है वो हमको बहुत अच्छा लगा है। नहीं, इसके साथ में यही हिसाब से हम करें। नहीं, आप भविष्य में ऐसा करेंगे, में भी करेंगे। आपने किसानों को और बताया है? हाँ, और बताएंगे और बताएं। हाँ, तो आपने एक दूरी विशेष पर पौधों को बुआया है, आपने बुआई की, तो इसमें जो है अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें फायदा आपको प्राप्त हो रहा है? इसमें ज्यादा फायदा है। कैसे होगा? इसमें 8 इंची पे करेंगे, वही हिसाब से आपने बताया है, जो वही हिसाब से चलेंगे और वही हिसाब से मतलब नहीं। और दूसरी चीज, पहले पौधों में आप लिया करते थे एक बीज से कितनी बाली हुआ करती थी? कुल में से दो बाले। हा? और आज आपके सामने जो पौधे हैं इनमें कितनी बालियां हैं? लगभग कम से कम 30-30 और 40-40 की लगभग है। तो आपको उत्पादन में लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा। आइए हमें खुद बताइए कि आपने, जैसे एक पौधा ये है, इसमें कितनी बालियां हैं, आप खुद बताइए। जब हम पकड़े लेते हैं, एक एक पौधा है, आप पकड़िए थोड़ा सा, आप ये बगल का ये गैपिंग ले लीजिए ताकि क्लैरिटी आ जाए। हाँ, ताकि एक एक करके आराम से ना आप ऐसे पकड़ के आप लोग रखें, आप एक एक करके पौधे की बाली निकालते जाएं, गिनती करें, तेज करें, एक 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 इस प्रकार से आपने स्वयं देखा, हमारे कृषक आपको खुद बताएंगे कितनी आपने गिनी। 46
46 बालियां हमें केवल एक बीज से दो बीज हमने जो डाले थे उससे हमें प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से भारत की प्रगति में, भारत की अन्न और खाद्यान्न समस्या को लेकर जो एक विषम हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और इसके खाद्यान्न की प्रतिपूर्ति हेतु निश्चित रूप से नाबार्ड का यह प्रयास, हमारी संस्था इशारा श्री गायत्री विकास समिति का ललितपुर का यह प्रयास निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। एक और दो। अच्छा, इसके साथ में हम कोई भी रेंडमली एक और पौधे को हम चयन करते हैं जिसमें कि आपको निश्चित रूप से बालों की संख्या या फसल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पौधे में इस तरह के कहीं भी आप गिने आपको निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। गुच्छे से गुच्छे की जो हमारी दूरी है, प्लांट से प्लांट की दूरी पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। आप इस पौधे को ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जिसको भी लेना चाहें उसको ले लें और इसके द्वारा आप इसमें भी गिनती कर सकते हैं हमारे किसान भाई। एक दो, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस। इस प्रकार से बैनर के पास जाके अभी जो आपने पौधा पौधे में जो आपने गिना है, पौधे में जो आपने आपने राजाराम जी ने अभी एक और पौधे को गिनकर हमारे किसान भाइयों को बताया है कि इसमें कितनी आपने बालियां गिनी है। इसमें 42 गिनी। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे स्वयं राजाराम जी ने आपको गिनकर बताया है कि 42 बालियां इसमें पाई गई हैं। निश्चित रूप से हम समझते हैं, मैं खुद एक कृषि का विद्यार्थी रहा हूँ और निश्चित रूप से हमें खुद प्रसन्नता हो रही है कि किसान इस नई तकनीक जिसे हम श्री विधि द्वारा गेहूं की बुवाई कहते हैं को अपनाया है। यह खांदी जो हमारे तालबेट ब्लॉक के अंतर्गत आता है, इसके हम मजरा साहेबपुर में खड़े हुए हैं। हमारे राजा राम जी का यह खेत है जिस पर कि इन्होंने बड़े छोटे क्षेत्र में पहले से इसलिए किया कि ये नई तकनीक है, हो सकता है फेल हो जाए, या किसानों में चूंकि ये टेंडेंसी रहती है, वह देखकर, हमारे भारत में इस प्रकार के कृषकों की संख्या ज़्यादा है जो एक दूसरे की फसल देखकर उसको अप्लाई करते हैं। निश्चित रूप से इस फसल को लोगों ने देखा होगा और आपके अनुसार और लोगों को इस बारे में जानकारी है कि आपके खेत पर इतनी संख्या में अच्छी पैदावार हुई है, कितने लोगों ने आपका लगभग देखा है, पूरे मजरे ने आके देखा? हाँ, देखा, पूरे मजरे ने देखा है। वह उनका क्या कहना है इस संदर्भ में? बीजा कह रहे हैं कि मतलब यही तरीका से करें अपन। हाँ, इस तरीके से करने से आपको क्या लाभ है? नंबर एक तो बीज, हाँ, बीज की बचत होगी। और क्या, बीज की बचत है, हर चीज की बचत है। और दूसरी चीज आपका भी है फायदा, जो आप दवाई अप्लाई कर देते हैं इसके अंतर्गत जो गुल्ली डंडा होती है, दवाई नहीं दी है अभी तो। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने कोई दवाई फेलेनस माइनर के लिए नहीं दी गई है। इसके साथ में एक बहुत अच्छी चीज यह भी है कि इसमें निदाई गुड़ाई करने में सहायता प्राप्त होती है। जितनी फसल को आप बीज बचाते हैं, हमारे देश का जनहित में बीज भी बता, साथ में खाद का भी समुचित इंटीग्रेटेड जो उपयोग होता है वह होता है। आपने बताया कि अभी तक किसी भी तरह की इनको दवाई डालने की, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने की, कोई हर्बिसाइड डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। तो निश्चित रूप से हमारी संस्था के जो अध्यक्ष महोदय, जो सचिव साहब हैं कुंज विहारी शर्मा जी, हमारे DDM नाबार्ड श्री विवेक गुप्ता जी एवं हमारी ये संस्था के जो तकनीकी विजय जी जगवान जी, निश्चित रूप से हमारे इस हमने जो शुरुआत की थी उस समय हमारे यह लोग बड़े ही चिंतित थे कि नई तकनीक हम अपने ललितपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके सबसे पिछड़ी जगह पर हम यह तकनीक को अपनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा आगामी भविष्य में कृषकों को और अन्य लोगों को होगा। हमारे सचिव साहब श्री कुंज बिहारी जी ने भी यह फसल का मुआयना किया है, देखा है, आज दिनांक
16 मार्च को हम किसान के खेत पर खड़े हुए हैं, क्योंकि फसल पकने का समय आने वाला है। क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट भी संस्था के माध्यम से नाबार्ड को प्रेषित की जाएगी, और साथ में हमारे कृषक जो कि हर्ष से बड़े अच्छे से हर्ष हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ओलावृष्टि के कारण बड़ी समस्या आपदा आई थी, लेकिन हमारे यहाँ खेत में जो हमारे पौधे हैं वह इतने मजबूत हुए कि हमारे पौधे उस ओल का वृष्टि में भी कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। जी, मैं चाहूँगा कि जैसे कि अब बगल में ये सामान्य फसल लगी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम सारे लोगों को बता पाएं जी कि SWI में और जो इन्होंने ये बगल में कृषि लगा रखी है उसमें फर्क क्या है। फर्क इसलिए है कि आप शर्मा जी, ये बगल में फसल लगी है और इस फसल को हम देखेंगे, नंबर एक इसमें बाली, ये पौधा देखिए बिल्कुल निर्जल सा पौधा है, बहुत छोटा सा मतलब प्रतीत हो रहा है, बहुत छोटा पौधा है। दूसरी चीज यह देखिए कि ये सेपरेट दिख रहे हैं पौधे, देखिए ये पौधे एक से दो में हैं, आप सीधा देख सकते हैं बाली जो है बड़ी छोटी सी है। जी जी जी। साथ में यह पौधे देखिए गिरे पाए गए हैं, जबकि हमारी SWI तकनीक की कोई भी फसल कहीं गिरी पाई नहीं गई। तो मित्रों, इस प्रकार का फायदा निश्चित रूप से देखिए, हम बाली का हम फर्क दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाली का हम आपको दिखाई देते हैं, तोड़ के आप जरा था, नहीं नहीं इसमें जो बाली है वो लाइए जरा, आप स्वयं देख सकते हैं कि इसमें चूंकि ये दूसरे की खेत की बाली है, इसको निकालना, दिखाइए जरा थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी के लिए। ठीक है ठीक है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं पौधे को, देखिए यह सीधा सीधा एक पौधा हो गया, ये एक पौधा ये सीधा है जी, और एक आप एक अपना वाला पौधा निकाल लीजिए, वो अपन निकालेंगे महाराज सैंपल के लिए रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको हम दिखाई देते हैं महाराज, किसान जो है आपको सामने दिखाते हैं, आइए भैया ये देखिए एक साधारण पौधा हमने चुन के निकाला है, इसमें देखिए जड़ जो है उसका भी विकास नहीं हुआ है, साथ में एक पौधे से आपको स्पष्ट दो दिख रहे हैं, कितना इसमें लाभ होगा, कितनी निरंतर बनती जो कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके तहत हम नहीं समझते कि इस प्रकार की तकनीक से जो पौधा बोएंगे जो बाल आएगी उससे कोई कृषक लाभ कर पाएंगे। ये आप इनके हाथ में दीदी जो एक अपना है वो लेके जरा कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी में आप किसी भी पौधे को देखिए, तोड़ एक आप दिखा दीजिए उखाड़ के पूरा एक बंच, हाँ या बहुत बढ़िया, बगल में यह जो है एक पौधा हमारा बहुत शानदार, किसान स्वयं इसको दिखाए कि एक पौधे में हमारी जड़ का विस्तार क्षेत्र देखिए सर जी, हमारे जड़ की विस्तार का क्षेत्र देखिए टेले में है, हम इसको निश्चित रूप से DDM साहब को प्रेषित करेंगे, जिससे कि इस पौधे की जो हमें तकलीफ हुई है कि ये उखाड़ा गया है CDM साहब से, और निश्चित रूप से हम लखनऊ में जो हमारे नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी महोदय CGM साहब महोदय हैं, जितने भी लोग हैं हम निश्चित रूप से उनको दिखाना चाहेंगे, जिससे कि यह हमारे बुंदेलखंड में ही नहीं अपितु पूरे राज्य में, अपितु पूरे हमारे राष्ट्र में, भारत देश के अंदर इस प्रकार की नई तकनीकें चलें जिससे खाद्यान्न की समस्या जो हमारे देश को निश्चित रूप से आज हमारा भारत देश जो खुद की खाद्यान्न समस्या को पूर्ण कर रहा है, अपितु इसके के अन्य राष्ट्रों को भी इसका निर्यात करे, जिससे कि हमारे यहाँ हर तरह की व्यवस्था, जो हमारे किसान भाई हैं वो खुद इसमें अंतर समझ में आ रहा है तो वो खुद बताएं कि इसमें आप बताइए, आप दोनों कंपैरेटिव में ये है कि मान के चलो जो हम बहुत हर साल है जो फेल है कहे के ई में ज्यादा नुकसान है, इससे हमें जैसे 42, 46, 46 से भी है पौधा, तो मान कर ई में ज्यादा फायदा है, इसमें फायदा है। चलिए धन्यवाद।